मैं बनाऊंगी आज पनीर के पराठे, आधे पनीर के बना लूंगी, थोड़ा से जी भी पड़ा है। मैं बनाऊंगी पराठे आज पनीर के, तो मैं पनीर कद्दूकस कर लेती हूँ। पनीर मैंने कद्दूकस कर लिया, देखो बच्चे कह रहे हैं जल्दी करो। ये है नमक मिर्च मसाला और लाल मिर्च मैंने थोड़ी ली है, काली मिर्च है ये। ये है हमारा धनिया पाउडर, लाल मिर्च हम थोड़ी ही डालते हैं, जब कोई बढ़िया चीज़ बनानी हो उसमें लाल मिर्च डाल लेते हैं। आटा भी गूंद लिया, ग्रेवी मेरा तैयार हो गया, पनीर भी अब बनने जा रहे हैं चपातियाँ। तवा मैंने रख दिया धो करके, बारिश लगी है, रुक गई, बारिश भी खुल के नहीं ना पै रही है, सड़ सड़ जी लगी है, एक बार खुल के सिलेंडर ना बाहरली कमरे में रख दे बेटा। इसको बोलते हैं कंगनी, कंगनी बोलते हैं इसको, कंगनी। ऐसे पनीर की फिलिंग कर लेनी है। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स, राम राम जी सबको, सबको राम राम जी। ठीक हो सब लोग, कहाँ कहाँ बारिश पड़ रही है बताना जी आप। हमारे यहाँ तो कम से कम 3-4 दिन से लगातार पड़ रही है बारिश। जो मेरे हिमाचल वाले फ्रेंड हैं वहाँ भी बारिश पड़ ही रही है, क्योंकि मेरा ससुराल हिमाचल में है। आज मौसम ठंडा था तो हमने बनाए हैं पनीर के पराठे, आप भी आ जाओ। किस किस को पसंद है पनीर के पराठे, आ जाओ जल्दी जल्दी से, गरम गरम पनीर के पराठे खाते हैं। मैं बनाऊंगी आप सब खाना, कि मुझे बनाने का शौक है, खाने का कम शौक है मेरा, बनाने का है। ऐसे हम जब रखते हैं ना तो जो इसमें घी लगा रहता है ना एक्स्ट्रा, वो ये वाला एब्जॉर्ब कर लेगा। ये है देसी घी। वीडियो के चक्कर में मैंने फैन नहीं चलाया, पता मुझे बहुत चढ़ता है घी वगैरह। आप जैसलमेर साइड जब आएंगे, देखिए तनु खा रहा है पराठे देसी घी के साथ, साथ में है मलाई। मैंने बोला था माखन ले लो, मैंने निकाला था लेकिन लिया नहीं इन्होंने। यहाँ चल रहा है वीज़ा टू एक्सप्लोर, जिनका मैं चैनल देखती हूँ, आप भी आ जाएं फ्रेंड्स खाने के लिए पनीर के पराठे। यहाँ मैं गूंद रही हूँ आटा, दलिया मैंने वहाँ होता रहेगा, जब बन जाएगा उसमें मैं डाल दूँगी चीनी। आटा देखिए मैंने कर लिया है, इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक दूँगी, फिर ऐसे करूँगी इकट्ठा। ऐसे करने से ना रोटियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारे दलिए के क्या हाल है। ठीक ही है हमारा दलिया, थोड़ा सा नीचे लगने वाला हो गया था। इसमें डाल देते हैं पानी, मैंने थोड़े से काजू डाल दिए हैं, इसमें चीनी भी डाल दी है। आटा मैंने बर्तन में निकाल लिया, देखिए कितना मुलायम मुलायम आटा हुआ है ना, बहुत बढ़िया आटा बन जाता है ऐसे थोड़ी देर रखने से ना। दलिया भी बन गया हमारा, दाल भी बन गई, अब करेंगे तैयार
तड़का। पानी की बोतल मैंने भर दी है, ये देखिए एक बोतल, ये 6 बोतल ये वाली है, 2 मैं रखा ही हूँ। तो हमें आटा गूंदने के बाद ना जस्ट इसे धोना नहीं चाहिए, कहते हैं कि मायके वालों के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसको मैं भिगो के रख दूँगी। अदरक लहसुन प्याज इसको मैं छील लेती हूँ। हमारी बनने जा रही है चाय, देखिए 1 इलायची 2 लौंग अदरक कूट के डाल दिया इसमें। पानी हमारा पड़ चुका है। चाय बनाने तो सबको आती है फ्रेंड्स, ये तो हम अपना दिखाते हैं ना जो हम काम करते हैं। चीनी 1/2 चम्मच डाली है, यहाँ मैंने काट ली है टमाटर और ये सारा सामान। मैंने बनाई है कुल्थी की दाल और चने की दाल और कुल्थी की दाल मिक्स। चाय भी मेरी कड़ रही है, सिम पे मैंने मीडियम आंच पे रखी है। यहाँ मेरा तड़का भी भून गया। यहाँ मैंने लिए धनिया पाउडर, जीरा, नमक वगैरह। नमक हमने ऐड कर दिया था, हल्दी भी ऐड करी थी दाल में, लेकिन थोड़ी सी हम तड़के में ऐड कर देंगे। यहाँ चाय भी हो रही है। यहाँ मैंने लिए थे 3 प्याज बड़े बड़े और टमाटर। इस मॉर्निंग में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है फ्रेंड्स, बिजी होते हैं ना मॉर्निंग हमारी, मॉर्निंग उधर से इवनिंग, डिनर का काम चल रहा था शाम का, बच्चे भी सोए हैं। रात को हम सोए थे छत पे तो बारिश आ गई थोड़ी थोड़ी, फिर हमें नीचे भागना पड़ा। तो एक मैं ऐसे मंजाना नीचे रखती हूँ और 3-4 मंजे हमारे ऊपर रहते हैं। ये जब तक बरसात नहीं जाती ना तब तक डिब्बों से ही हल्दी मिर्च लेना पड़ेगा। क्योंकि गीला गीला हो जाता ना सारा सामान स्पाइस बॉक्स का। बादल गरज रहा और बारिश लग भी गई फ्रेंड्स बहुत तेज। अभी गेट का ताला नहीं खुला है, तो नहीं तो मैं बाहर से गेट खोल के बता देती हूँ। ताला खोल लेती हूँ। ये है हमारे गेट की चाबी। तो मैं लाई हूँ चाय पीने के लिए, चाय पीऊँगी बैठ के आराम से। और तड़का भी हमारा हो चुका है। अनु उठ जाओ बेटा, तनु कर दे रहे, उठ जा करो, टाइम देख लो। ये मेरा मॉर्निंग और आफ्टर का दोनों टाइम का चल रहा है। मैं दोपहर को सिर्फ राइस बनाऊंगी, चावल, और मुझे कुछ नहीं बनाना क्योंकि आज मुझे करना है कुछ काम। मैंने निकालने हैं अपनी मशीन, थोड़े कपड़े हैं सिलने वाले जो थोड़े थोड़े उधड़ जाते हैं मशीन में ना, धागा कच्चा पड़ जाता है कपड़ों का, फिर थोड़े टाइम बाद ना उनको सिलाई करनी पड़ती है। हो सकता है मैं आपके साथ शेयर भी करूं, अगर नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। अब हम डाल देंगे थोड़ी सी दाल कढ़ाई में, फिर हम ना तड़के को कुकर में डाल देंगे। थोड़ी बहुत अगर कसर होगी तो हो जाएगी पूरी। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। पानी क्यों चलाया नहीं सड़ी? ये देखिए हस्बैंड खाने लगे हैं रोटी चपातियाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मेरा व्लॉग पूरा हो ही गया। ये बन रहा मेरा डिनर। डिनर में हमने आज देखे क्या बनाया, हमने बनाए मंचूरियन। ये रहे, आप भी खाइए मंचूरियन। ठीक है, सही है, जब समझ कर काम करना।
हस्बैंड ने बनाए थे बच्चों के लिए मंचूरियन। ये इनको खानी थी दाल, तो ओवन हमारा ख़राब है आपको पता है, आजकल गर्म वगैरह चीज़ करनी होती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। सब लोग ठीक हो ना आप? हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बारिश पड़ रही है, मौसम बहुत अच्छा अच्छा हुआ पड़ा है, एकदम ऑसम।